नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जब अनोखा में। आज हम स्नेक प्लांट को एक से ज़्यादा कैसे करें, मतलब बहुत ज़्यादा कैसे उगाएं, हम इसे मल्टीपल कैसे करें, इस बारे में हम बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे घर स्नेक प्लांट लगा हुआ है और भी लगा हुआ है, मैं अभी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हमें इसमें चाहिए क्या, हम एक लीफ देखेंगे जो आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा डैमेज हो चुकी है। हम उस टाइप से कोई भी लीव्स या हेल्दी लीव्स भी आप ले सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा इसी तरीके से मल्टीप्लाई करती हूँ, जो भी लीव्स मेरी ख़राब हो रही होती है मैं उसे कट कर लेती हूँ और फिर उससे बहुत ज़्यादा प्लांट मैं बना सकती हूँ। देखिए, इसको मल्टीपल करने का दो तरीका होता है। या तो ये नेचुरली ग्रो करता है साल में एक बार, जैसे कि ये देखिए इस तरीके से, इसमें साल में एक बार जो है आपको बेबी प्लांट निकलते हुए दिखाई देंगे, तो साल में ये इजीली खुद को ही मल्टीप्लाई करता है। बट यदि हम चाहते हैं कि हम इसे और ज़्यादा प्लांट बनाएं और ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लगता है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से, जैसे कि मैं ये लीफ ले रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो लीफ है ये जो है यहाँ से ड्राई हो चुकी है, तो इसलिए मैं इसे अलग कर रही हूँ यहाँ से। तो मैं इसको पूरी तरीके से अलग नहीं करूँगी, यहाँ से मैं कट कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसे कट कर लिया। अब चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाते हैं। देखिए, मैंने एक कंटेनर ले लिया हुआ है, ये नॉर्मल बॉक्स पड़ा हुआ था मेरे घर, मैंने वो लिया हुआ। इसमें मैंने नॉर्मल सैंड और कंपोस्ट मिला दिया है। अब मुझे इसे कैसे मल्टीप्लाई करना है, आप नॉर्मल कोई भी आपका गमला हो उसमें भी आप लगा सकते हैं। देखिए, इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपको जितने भी प्लांट बनाने हैं आप उस हिसाब से कट कर लीजिए। जैसे कि मैं इस हिसाब से यहाँ पर आपको साथ ही लगाते जाना है। बस एक बात का ध्यान रखना, जो नीचे है उसे नीचे रखना। जैसे कि ये नीचे का हिस्सा था तो मैं ऐसे नीचे ही लगाऊंगी इसे। यदि मैं इस साइड से लगाऊंगी तो उगेगा नहीं। इसी टाइप से ये नीचे है, तो अब मैं इसे किस, अगर आप पहले काट के रखेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए आप साथ साथ में काटते चलें। ये देखिए, बस आप इससे कितने, देखिए आप एक लीप से आप देखेंगे कि आप कितने सारे प्लांट बना सकते हैं। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, तो 1 2 3 4 5 6 आप चाहते तो इसे और भी छोटा कर सकते थे, इसे और भी छोटा कर सकते थे, तो इससे आपको और भी ज़्यादा प्लांट मिल जाते। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऑलरेडी हैं इसके प्लांट, इसलिए मैं इसको ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ। आप देखिए, अब होगा क्या कि ये जो होंगे इसके पहले रूट्स निकलेंगी, इसके बाद जो ये पैरेलली यहाँ से आपको प्लांट निकलते हुए दिखाई देंगे। चूँकि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको 100% रिजल्ट दिखाऊंगी, तो देखिए मैंने इसे पहले लगा के रखा हुआ है। ये देखिए, मैंने इसे अलग से नहीं लगाया, मैंने नॉर्मल एक ये मेरा प्लांट है इसी के साथ मैंने इसमें लगा दिया था लीव्स, आप देख सकते हैं। ये देखिए, 1 2 3 लीव्स लगी और आप उसके रिजल्ट देख सकते हैं। ये देखिए, इसके पैरेलली ये उग गया है। ये देखें, वाओ, जब ये उगते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है कि देखिए आपने कितने सारे प्लांट मल्टीपल कर। ये देखिए, ये अभी न्यूली उग रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये ठीक है। और ये इससे तो दो प्लांट निकले, वाओ, ये देखिए इससे दो प्लांट निकल रहे हैं। मतलब देख रहे हैं आप, एक लीफ से आप कितने सारे प्लांट बना सकते हैं। इसी की एक और लीफ, ये देखिए ये तो काफ़ी बड़ा हो गया। अब इसमें टाइम कितना लगेगा, ये भी मैंने ऐसे ही गमले में लगा दिया था और नॉर्मल जैसे वाटरिंग करते हैं, और ये अपने आप क्या देखिए, तो टाइम कितना लगेगा, लगभग आपको जो उसकी रूट्स निकलेंगी वो 15 to 30-35 डेज में निकल जाते हैं। बट ये जो प्लांट बनता है इसके लिए आपको 2.5 से 3 महीने का वेट करना पड़ सकता है, अप्रॉक्सीमेट 3 मंथ्स का आपको वेट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट योर रिजल्ट लाइक दिस। वाओ, देखिए फ्रेंड्स, है ना 100%। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 100% बताऊंगी कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए, मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाना चाहती हूँ। ओह ओह, लुक इट हियर, इसके भी दो प्लांट निकले हुए हैं। ये देखिए, एक ये है और एक और ये है। तो मैंने एक ही लीफ से कितने प्लांट बनाए, 1 2 3 4 5 एंड 6।
ये देखिए, जबकि मैंने इसकी 4 लीव्स लगाई थी और मैंने इसमें 6 प्लांट बनाए। चलिए आपको निकाल के देखते हैं हम इसे कैसे लगाएंगे। तो मैं नॉर्मली ऐसे निकालूंगी, यहाँ पर किसी भी नुकीली चीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चूँकि इसकी रूट जो है, ये देखिए, वाव, ये देखिए, हम इसे थोड़ा सा हटा के देखते हैं। ये देखिए, मैंने आपसे बोला था ये पैरेलली उगते हैं, तो इसका ये देखिए है ना, ये पैरेलली, और कितना अच्छा रिजल्ट आया है। वाव, आप इसे बहुत सारा मल्टीपल कर सकते हैं, बहुत सारे पौधे बना सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही ऑक्सीजन रिच प्लांट है, आप इसे इंडोर की तरह यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई भी ख़राबी नहीं आएगी। आप उसको 100% इंडोर प्लांट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये? प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।